नंबर सिस्टम, क्या है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर एंड यह फर्स्ट लेक्चर भी है। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट दिया है नंबर सिस्टम, चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट हम इसमें थोड़ा सा कुछ डिफिनेशन वेज है कि नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है, तो हम उसको पढ़ते हैं। उसके बाद हम 1.1 ऐसे पॉइंट बाई पॉइंट क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं नेचुरल नंबर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? अगर डिफिनेशन, हम नहीं चाह रहे हैं कि इसको डिफिनेशन में ले चलें, हम सिंपल जानेंगे नेचुरल नंबर होता क्या है, उसके बाद होल नंबर क्या होता है, ऐसे हम सिंपल में जैसे यहाँ लिखेंगे कि द नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। उससे अच्छा है नेचुरल नंबर का मतलब, नेचुरल नंबर वन होता है, 1 से 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। ये क्या है? नेचुरल नंबर है। सबसे लीस्ट लीस्ट नेचुरल नंबर, कोई पूछ रहा है कि लीस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो वन। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? वन। अब आता है नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ये फर्स्ट था, सेकेंड होल नंबर। हम जब 1.1, 1.1, 1.2 ये स्टार्ट करेंगे तो उसमें दिया होगा नेचुरल नंबर, कभी होल नंबर। तो फर्स्ट जान लेते हैं कि ये क्या होता है, उसके बाद फिर उसको देखेंगे तो हमको इजी लगेगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट हमको स्टार्ट करना चाहिए इसको, इसको मैंने इसके बेसिक जान ले कि ये होल नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर होता क्या है। इसमें एक बात छोड़ गया कि इट इज डिनोटेड डिनोटेड बाई एन। इसको एन से, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश आर कॉल्ड। एग्जाम्पल ना लेकर ऐसा ही करें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर डैश डैश आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। थोड़ा सा डिफिनेशन ले ले रहे हैं ताकि अच्छा लगेगा। 1, 2, 3 यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है? किसी कोई जो मैंने नंबर यूज होता है काउंटिंग में। तो होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 जीरो से स्टार्ट हो और वो इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो आर कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर क्या कहलाता है? होल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? हम यहाँ से अगर ये मिटा दें तो ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर क्या होता है? होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। तो जीरो मिला देने से ये होल नंबर हो जाता है। इट इज डिनोटेड बाई डब्लू। होल नंबर को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? डब्लू से। होल नंबर को डब्लू से डिनोट करते हैं, ठीक है।
तो एक इस पे बहुत फेमस क्वेश्चन आएगा जो कि है भी बुक में, ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। जितना भी नेचुरल नंबर है जैसे 3, 4, 5 इस सबको क्या कह सकते हैं हम, होल नंबर कह सकते हैं होल नंबर। लेकिन ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है, जैसे 0, 0 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, उसके बाद जितना है वो नेचुरल नंबर है। तो लिस्ट लिस्ट होल नंबर इज 0। सबसे छोटी होल नंबर क्या होती है, 0। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आता है इंटीजर। होल नंबर को हिंदी में अगर देखा जाए तो पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो हम नेचुरल नंबर देखे, होल नंबर देखे, नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1, 2, 3, 4 ये 5, मैंने जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं सब क्या है, नेचुरल नंबर है। और होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर में 0 ऐड हो गया है, 0 से अगर काउंट कर रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4 तो ये सब क्या हो जाएगा, होल नंबर। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो इतना तो देख लिए, अब आता है मेरा इंटीजर। इंटीजर थर्ड क्या है, इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर का हिंदी क्या होता है, पूर्णांक। तो एक नंबर लाइन है 0, या ऐसे समझिए डैश डैश -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आर कॉल्ड इंटीजर। क्या कराता है इंटीजर, इसको नंबर लाइन पर हम जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, इसमें पढ़ना भी है 9th में शायद थोड़ा सा पढ़ना है, तो वहाँ आता है एक नंबर लाइन, नंबर लाइन नंबर लाइन होता है ये, इसको हम इन्फिनिटी तक इधर बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या बोलता है, लाइन होता है, इसका मिडिल होता है 0। और लाइन के राइट साइड, राइट क्या होता है, पॉजिटिव, 1, 2, 3, 4 ठीक है। और लेफ्ट, लेफ्ट में क्या होता है, -1, -2, -3, -4 ये क्या है, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर। अब इंटीजर दो भागों में बटा है, यहीं से देख सकते हैं ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, और 0 इंटीजर। तो फर्स्ट देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट एक बात छोड़ रहा है कि इंटीजर इट इज डिनोटेड बाय आई या जेड, आप
आई से भी डिनोट कर सकते हैं और जेड से भी डिनोट कर सकते हैं इंटीजर को। तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 यानी नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई प्लस आई या प्लस जेड। हम पॉजिटिव इंटीजर को प्लस आई से डिनोट करते हैं या प्लस जेड से, और 1, 2 मैंने जितना पॉजिटिव आएगा 0 के बाद में वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, और 0 के जो लेफ्ट में होगा वो नेगेटिव इंटीजर। सेकेंड क्या है, नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर। तो -5 इधर इधर इंक्रीज करता है इसलिए हम इधर लिख रहे हैं 4 -3 -2 -1 आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर। इट इज डिनोटेड बाई नेगेटिव आई एंड नेगेटिव जेड, या इसे डिनोट करो या इससे, किसी एक से डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखा गया कि नेगेटिव नंबर नेगेटिव में आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव में आ गया, तो फिर जीरो क्या है, तो जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। ये बहुत मैंने लगभग जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन में ऐसा आता भी है कि जीरो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, थर्ड ऑप्शन रहेगा नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, और फोर्थ रहेगा ऑल ऑफ देम यानी इनमें से सभी। तो उसमें क्या होगा, तो कुछ इस पर क्वेश्चन बनता है जनरल में या आपके बुक में भी हो सकता है कि होगा। फर्स्ट ऑल नेचुरल नंबर आर, ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब कि ऑल जितना भी नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो नेचुरल नंबर जानते ही हम क्या होता है, 1, 2, 3, और पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1, 2, 3, तो यह है। ठीक है, सही है। सेकेंड, ऑल होल नंबर, होल नंबर आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहां बता रहा है कि जितना भी होल नंबर होता है वो नेगेटिव नंबर नहीं होता है, नेगेटिव नंबर नंबर नहीं होता है, नॉन नेगेटिव होता है। इसका मतलब नेगेटिव नहीं होता है, और उसमें पॉजिटिव ये बात नहीं कर रहा है कि पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव का मतलब 1 से, और नॉन नेगेटिव का मतलब कि -1 से लेफ्ट में जितना है उसको छोड़कर सब क्या है, होल नंबर है। तो होता है 0 से 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 8 से। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर।
इंटीजर कहने का मतलब कि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। ये देखिए, ये तो इसके नंबर लाइन के हिसाब से देख लिए बांटा हुआ। अब इंटीजर टू टाइप का होता है क्या, फर्स्ट इवन इंटीजर। इंटीजर कहेगा तो हम प्लस माइनस दोनों में देखेंगे, और होल जैसे बोलेगा इवन नंबर तो ओनली वन से काउंट करेंगे, जीरो से होल नंबर में, इवन नंबर में जीरो से काउंट होने लगेगा। जब नंबर आएगा तो नंबर का मतलब कि वन से होगा, होल नंबर नहीं आएगा वन से होगा। तो हम यहाँ इंटीजर की बात कर रहे हैं तो द इसका डेफिनेशन होगा द इंटीजर, द इंटीजर व्हिच इज डिवाइडेड बाय टू इज कॉल्ड इवन इंटीजर। कह रहा है कि वो इंटीजर जो दो से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, डिवाइड का मतलब मैंने भाग लग जाए, उसका रिमाइंडर जीरो हो जाए। तो एग्जांपल में क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, टू हो सकता है, माइनस टू हो सकता है, फोर हो सकता है, माइनस फोर हो सकता है, 86। यानी जो जीरो टू से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, जैसे दो है तो हम दो से डिवाइड करेंगे तो टू वे कम टू कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया जीरो। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इवन इंटीजर। इवन इंटीजर इज डिनोटेड बाई ई। इवन इंटीजर को कैसे से डिनोट करते हैं, ई से। क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई ई। सेकेंड आता है ऑड, ऑड इंटीजर। इसका काफी यूज होगा हम लोग को पॉइंट वन में, जैसे ऑड इंटीजर, द इंटीजर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय टू। जो वह इंटीजर जो दो से डिवाइड ना हो उसे क्या बोलते हैं हम, ऑड इंटीजर। एग्जांपल में देखें तो वन थ्री माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस सेवन 86, ये क्या है ऑड इंटीजर। और इसे क्या जिस डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ओ। तो हम इतना में इस लेक्चर में इतना देखें नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम के बारे में क्या होता है। अब कुछ और होता है जैसे कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सब होता है। तो कॉम्पोजिट नंबर देख ही लेते हैं। ओ अभी तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है, जैसे हमको पढ़ना है रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। तो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे हैं।
इसको ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मुझे लेक्चर को अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा नेट का डाटा का यूज करना होगा। तो इतना ही रहने देते हैं और इसके नेक्स्ट लेक्चर में जस्ट हम देखेंगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और कुछ जो देख लेते हैं और कुछ पढ़ना हो तो। उसके बाद हम चैप्टर का जो पॉइंट में जो क्वेश्चन है उसको लेंगे और बनाना चालू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स, बाय।